Hello students, today we will discuss predictive parsing. In this, we cover topics top down parsing, predictive parsing, first and foremost set, predictive parser table, and NN1 grammar. Let us see what is top down parsing. The top down parsing expands a parse tree from top that is root to the bottom that is leaves. The so top down parsing way, we have to construct a parse tree from the top to bottom that is from root to leaves. नाउ दैट हज कंसिडर दिस ग्रामर और इस ग्रामर को यूज़ करके हमें स्ट्रिंग ड्राइव करनी है सी ए डी वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिम्बल एस एंड दैट स्टार्ट सिम्बल बिकम द रूट ऑफ द पास्टी नाउ यहाँ एस से सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो आफ्टर एक्सपेंडिंग द एस विद सी ए डी द पास्टी इज नुक्स नायक एज इन फिगर एके नाओ वी हैव टू एक्सपेंड ए और ए के करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड पर दो प्रोडक्शन हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द फर्स्ट प्रोडक्शन टू एक्सपेंड द नॉन टर्मिनल ए एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग द नॉन टर्मिनल ए विद ए बी द पास लुक्स नाइक्स एज इन फिगर बी और इस फिगर बी में जो हमें स्टिंग ड्राइव किए हुए हैं सी ए बी डी जबकि हमें स्टिंग ड्राइव करनी थी सी ए डी तो वट वी हैव टू डू वी हैव टू बैक ट्रैक अगेन टू द नॉन टर्मिनल ए और इस ए से देखना है कोई और प्रोडक्शन है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो यहाँ पे ए से स्मॉल ए डिराइव हो सकता है तो आफ्टर एक्सपेंडिंग ए विद स्मॉल ए द पास्टी नाउ बिकम्स एज सोन इन फिगर सी और ये फिगर सी में जो पास्टी है दिस इज़ फॉर द स्ट्रिंग सी ए डी जो कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग सी ए डी से मैच कर रही है तो दिस पास्टी इज फॉर इनपुट स्ट्रिंग सी ए डी तो दिस इज द वे टॉप डाउन पासिंग कंस्ट्रक्ट से पास्टी तो टॉप डाउन पासिंग में वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री फ्रॉम रूट टू लीव्स ओके दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम नाउ टॉप डाउन पार्सिंग फाइंड ए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग तो कोई ग्रामर गिवन है और उससे हमें कोई स्ट्रिंग ड्राइव करनी है तो हमारे पास दो टेक्निक्स हैं या तो हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं या राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करते हैं तो टॉप डाउन पार्सिंग यूजेज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग

दूसरे प्रोडक्शन से यहाँ पे एक्सपेंड किया है तो यहां पे क्या हो रही है बैक टेकिंग हो रही है ओके तो दिस इज अलाउड इन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग बट इन प्रोडक्टिव पार्सिंग बैक टेकिंग इज नॉट अलाउड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग एंड प्रिडिक्टिव पार्सिंग नाउट सी वॉट इज प्रिडक्टिव पार्सिंग तो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रिडक्टिव पार्सिंग हेयर दिस इज द इनपुट स्टिंग दिस इनपुट स्ट्रिंग is अपेंडेड by ए डॉलर symbol. ओके okay? तो so, जो भी इनपुट स्ट्रिंग को हमें पास करना है उसके आखिर में हमें डॉलर ऐड करना है दिस डॉलर साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज द एंड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग ओके नाउ देयर इज ए स्टैक इज देयर दिस स्टैक कंटेंस सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिम्बल्स विद डॉलर एट इट्स बॉटम मार्कर इनिशियली स्टैक कंटेंस ऑन डॉलर तो दिस इज द स्टैक

ये कैसे काम करता है इट रीड्स ए सिंबल फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग एंड लुक्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक और उसके बाद ही डिसाइड करता है यूजिंग दिस पार्सिंग टेबल वॉट द एक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड ओके इफ द स्टिंग इज सक्सेसफुली पास्ड देन इट बिन आउटपुट एक्सेप्टेड अदरवाइज इट बिन आउटपुट एरर। तो दिस इज द वे दिस पार्सिंग प्रोग्राम वर्क्स और दिस इज द वे द प्रोजिव पार्सर वर्क्स

ऑफ़ नॉन टर्मिनल सिम्बल्स तो अनफा टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिम्बल्स का कॉम्बिनेशन है इन दैट केस इफ़ यू हैव टू कंप्यूट फर्स्ट ऑफ एक्स फर्स्ट ऑफ एक्स वन बी फर्स्ट ऑफ ए अनफा एंड फर्स्ट ऑफ ए अनफा इज़ ए तो यहाँ पे जब फर्स्ट ऑफ ए अनफा है दट इज़ द फर्स्ट सिंबल ऑफ़ द राइट हैंड साइड प्रोडक्शन इज़ ए टर्मिनल सिंबल और उसके आगे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल कुछ भी हो तो फर्स्ट ऑफ ए अनफा क्या होगा ए ओके दिस इज द रूल नंबर वन इफ देर इज अ प्रोडक्शन एक्स डिराइव एफसाइनन दैन द फर्स्ट ऑफ एक्स इज योर एफसाइनन तो दिस इज द सिंपल रूल कि अगर एक्स एफसाइन डिराव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ एक्स वनटेन एफसाइनन इफ़ देर इज अ प्रोडक्शन नाइक एक्स डिराइव वाई वन वाई टू टू वाई के वेयर वाई वन वाई टू वाई टू के आर नॉन टर्मिनल्स देन फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा फर्स्ट ऑफ वाई वन वाई टू से वाई के तक का इसका हमें फर्स्ट निकालना है एंड इसका फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट ऑफ एक्स होगा नाउ द फर्स्ट ऑफ वाई वन वाई टू के वाई के क्या होगा दैट इज फर्स्ट ऑफ वाई वन दैट इज द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट नॉन टर्मिनल दैट इज वाई वन प्रोवाइडेड कि फर्स्ट ऑफ वाई वन डज नॉट कंटेन एफ्साइनन ओके तो अगर फर्स्ट ऑफ वाई वन में एफ्साइनन नहीं है इन दैट केस फर्स्ट ऑफ वाई वन वाई टू टू वाई के विन बी फर्स्ट ऑफ वाई वन ओके

So, first of y1, y2 to yk is now becomes first of y1 minus epsilon union first of y2, y3 to yk if first of y1 contain epsilon. Okay? In the same way, suppose the first of y2 contains epsilon, in that case the first of y1, y2 to yk now becomes first of y1 minus epsilon union first of y2 minus epsilon. यूनियन फर्स्ट ऑफ वाई थ्री वाई फोर टू वाई के और इस तरीके से अगर फर्स्ट ऑफ वाई वन फर्स्ट ऑफ वाई टू से देखकर फर्स्ट ऑफ वाई के सभी में अगर एब्साइडन आ रहा है देन वी हैव टू एड एपसाइडन टू फर्स्ट ऑफ वाई वन वाई टू टू वाई के ओके दीज आर द थ्री रूल्स फॉर कंप्यूटिंग द फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल नाउ दीज आर द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग द फॉलो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल द फर्स्ट रूल इज

यहाँ पर इस प्रोडक्शन को ध्यान से देखें तो हम फॉर्नो ऑफ बी निकालना है और बी के बाद कोई भी सिंबल नहीं है ना टर्मिनल ना नॉन टर्मिनल तो उस केस में फॉर्नो ऑफ बी क्या होगा फॉर्नो ऑफ ए होगा ओके नाउ इफ देर इज प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए ड्राइव्स ए बी अल्फा यहाँ पे अल्फा जो है इट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एज वेल एज ऑफ नॉन टर्मिनल्स उस केस में अगर फॉर्नो ऑफ बी निकालेंगे तो दिस इज फर्स्ट ऑफ अनफा होगा तो फॉलो ऑफ बी बिकम्स फर्स्ट ऑफ अनफा प्रोवाइडेड कि फर्स्ट ऑफ अनफा डज नॉट कंटेन एफ्साइनन ओके तो दिस इज द कंडीशन कि फॉलो ऑफ बी नाउ बिकम्स फर्स्ट ऑफ अनफा इफ़ फर्स्ट ऑफ अनफा डज नॉट कंटेन एफ्साइनन अदरवाइज फॉलो ऑफ बी क्या होगा फर्स्ट ऑफ अनफा माइनस एफ्साइनन यूनियन फॉलो ऑफ ए तो फर्स्ट ऑफ अनफा Minus epsilon, and after union follow of A, it becomes follow of B. So these are the three rules for computing the follow set. Now we will see an example, and we will compute the first and follow for the given grammar. Okay? Now for the given grammar, we have to compute first and follow. Okay? So let's start computing first of E. फर्स्ट ऑफ ई ई के राइट हैंड साइड पर एक ही प्रोडक्शन है टी डैश -E तो हमें फर्स्ट ऑफ ई मीन्स फर्स्ट ऑफ टी डैश निकालना है तो दिस इज योर फर्स्ट ऑफ टी ई डैश एंड फर्स्ट ऑफ टी डैश अकॉर्डिंग टू रूल नंबर थ्री होगा फर्स्ट ऑफ टी इफ फर्स्ट ऑफ टी में एपसाधन ना हो तो चूंकि अभी फर्स्ट ऑफ टी हमें निकालना नहीं है तो नेट्स फर्स्ट कंप्यूट फर्स्ट ऑफ टी एंड फर्स्ट ऑफ़ टी के राइट हैंड साइड प्रोडक्शन है एफ टी डैश तो वी हैव टू कंप्यूट फर्स्ट ऑफ़ एफ टी डैश एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर थ्री चूंकि पैदाइश सिंबल नॉन टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ़ एफ टी डैश इज़ फर्स्ट ऑफ एफ यदि एफ के फर्स्ट में एफ साधन ना हो तो यहाँ पर भी अभी हमने फर्स्ट ऑफ एफ कंप्यूट नहीं किया है तो नेट्स कंप्यूट फर्स्ट ऑफ एफ नाउ द फर्स्ट ऑफ एफ नाउ दे आर टू प्रोडक्शंस तो दोनों प्रोडक्शन का फर्स्ट निकालना है तो पहले निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ओपनिंग ब्रेस ई क्लोजिंग ब्रेस का निकालेंगे यूनियन फर्स्ट ऑफ आई डी निकालेंगे ओके नाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन निकाल रहे हैं दिस प्रोडक्शन इस प्रोडक्शन का जो पहला सिंबल है वो क्या है टर्मिनल है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन कि अगर प्रोडक्शन का पहला सिंबल टर्मिनल है तो वो फर्स्ट में होगा तो दिस इज़ योर फर्स्ट आगे हमें देखने नहीं है और यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल है ओके तो द तो फर्स्ट ऑफ़ टर्मिनल इज इस टर्मिनल दिस इज दिस तो दिस इज हाउ वी कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ एफ ना फर्स्ट ऑफ टी कंप्यूट करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ एफ चाहिए ठीक है और फर्स्ट ऑफ एफ क्या है ये है और फर्स्ट ऑफ एफ में क्या है एफ नहीं है तो फर्स्ट ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑफ एफ होगा क्योंकि एफ में एफसाइलन नहीं है और ये हो जाएगा ओपनिंग बेस और आई अगर फर्स्ट ऑफ़ एफ में एफसाइलन होता उस केस में फर्स्ट ऑफ टी क्या होता फर्स्ट ऑफ एफ माइनस एफसाइलन यूनियन फर्स्ट ऑफ टी डैस हो जाता ओके तो चूंकि फर्स्ट ऑफ एफ में एफसाइलन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ टी इज सेम एज फर्स्ट ऑफ एफ नाउ फर्स्ट ऑफ ई क्या होगा फर्स्ट ऑफ टी होगा टी नॉन टर्मन है और फर्स्ट ऑफ टी में क्या है एफसाइन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ई नाउ बिकम्स फर्स्ट ऑफ टी और तो ये हो जाएगा ओपनिंग ब्रेस एंड आई अगर फर्स्ट ऑफ टी में एफसाइन होता है तो फर्स्ट ऑफ ई क्या होता first of T minus है फर्स्ट ऑफ टी माइनस एफसाइन एन यूनियन फर्स्ट ऑफ ई डैश होता तो इस तरीके से हमने ई e, टी और एफ का फर्स्ट निकाल दिया है नाउ फर्स्ट ऑफ ई डैश फर्स्ट ऑफ़ ई डैश क्या होगा दो प्रोडक्शन है दोनों प्रोडक्शन का फर्स्ट निकालना है फर्स्ट ऑफ प्लस टी डैश निकाल देंगे और उसका यूनियन करेंगे फर्स्ट ऑफ एफसाइनन से ओके okay? तो फर्स्ट ऑफ टी डैश निकालना है तो पहला ही सिंबल टर्मिनल है तो ये प्लस आ गया और फर्स्ट ऑफ एफसाइनन रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग एफ्साइनन ही होता है तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ई डैश नाउ फर्स्ट ऑफ टी डैश तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एसटिक्स एफ टी डैश निकालना है यूनियन फर्स्ट ऑफ एफ साइनल निकालना है तो एसटिक्स एफ टी डैश का पहला सिंबल टर्मिनल है दैट्स वाई दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन और फर्स्ट ऑफ एफ साइनल इज एफ साइनल तो दिस इज द वे वी हैव कंप्यूटेड द फर्स्ट ऑफ ऑन द नॉन टर्मिनल्स ओके अब इसी तरीके से हमें फॉर्नों कैलकुलेट करना है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख फॉलो ऑफ ई और ई क्या है हमारा स्टार्ट सिंबल है तो रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग अगर ई इज़ द स्टार्ट सिंबल तो इसके फॉलो में डॉनर होगा ही होगा ओके अब हमें करना क्या है कि हमें राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन को देखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से प्रोडक्शंस हैं जिनके राइट हैंड साइड पे ई e आ रहा है तो इस प्रोडक्शन में ई e नहीं है इस प्रोडक्शन में ई e नहीं है दिस इज़ द ऑनली प्रोडक्शन जिसमें ई e है और ये ई है दिस इज योर ई और इस ई के आगे हमें देखना है कि तो ई के आगे कौन कौन से सिंबल्स आ रहे हैं तो दिस इज योर दिस यूनियन फर्स्ट ऑफ ई के आगे जो कुछ भी आ रहा है ई के आगे क्या है सिर्फ नोजिंग ब्रेस है फर्स्ट ऑफ नोजिंग ब्रेस तो ये हो गया आपका डॉनर और चूंकि ये टर्मिनल है और फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज टर्मिनल इट दिस इज योर फॉलो ऑफ ई ओके तो रूल नंबर थ्री कहता है कि जिस सिंबल का आपको फॉलो निकालना है जिस नॉन टर्नर फॉलो निकालना है उसके आगे जो प्रोडक्शन है उसका आपको फर्स्ट निकालना है दिस इज द रूल नंबर थ्री ऑफ फॉलो नाउ फॉलो ऑफ ई डैश निकालना है फॉलो ऑफ ई डैश एट दिस ओके तो मैं देखना ई डैश e कहाँ कहाँ आ रहा है ई e डैस इस प्रोडक्शन में आ रहा है ई e डैस इस प्रोडक्शन में आ रहा है e इसमें इस इसमें इसमें इन तीनों प्रोडक्शन में ई e डैश नहीं आ रहा है तो इन दो तीनों प्रोडक्शन को हमें चेक करना है तो इसको चेक करते हैं फॉलो ऑफ ई डैश अब इस ई डैश के आगे नथिंग कुछ नहीं है ठीक है तो यहाँ पे हम रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे कि जिस सिंबल का हम फॉलो निकाल रहे हैं उस सिंबल के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो फॉलो ऑफ ई डैश क्या होगा फॉलो ऑफ ई हो जाएगा मतलब फॉलो ऑफ दिस सिंबल नाउ इज सेम एज फॉलो ऑफ द लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल तो लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल कौन सा है ई है द फॉलो ऑफ ई इज सेम एज फॉलो ऑफ ई एंड फॉलो ऑफ ई डैश इज सेम एज फॉलो ऑफ ई एंड फॉलो ऑफ ई इज डॉनर एंड क्लोजिंग ब्रेस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू ओके ना अब इसको देखें ई डैश ई डैश तो यहाँ दोनों ही सिंबल सेम है द फॉलो ऑफ ई डैश इज इकॉर्ड टू फॉलो ऑफ ई डैश एंड फॉलो ऑफ ई डैश इज दिस वन देर इज नो चेंज इन द फॉलो नाव फॉलो ऑफ टी देखेंगे तो हमें देखना टी कहाँ कहाँ आ रहा है इस प्रोडक्शन में टी नहीं है यहाँ टी नहीं है यहाँ टी नहीं है यहाँ टी नहीं है ओके इस प्रोडक्शन में टी आ रहा है दिस इज़ द ओनली प्रोडक्शन जहाँ पे टी अपीयर हो रहा है तो फॉलो ऑफ टी क्या है फर्स्ट ऑफ ई डैस फॉलो ऑफ टी इज योर फर्स्ट ऑफ ई डैस टी के आगे क्या है जो भी प्रोडक्शन्स हैं रिमेनिंग उसका हमें फर्स्ट निकालना है ओके एंड फर्स्ट ऑफ ई डैस क्या है प्लस एफसाइनन ओके दिस इज योर प्लस अब चूँकि इसके फर्स्ट ऑफ ई डैश में एफसाइन आ रहा है और इस एफ्साइन को अगर हम यहाँ पुट कर दें ई डैश की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा सॉरी ई ऑफ टी निकाल दें फर्स्ट ऑफ ई डैश और फर्स्ट ऑफ ई एफ्साइनन है तो अगर ई डैश अगर एफ्साइडन पुट कर दें तो दिस बिकम फर्स्ट टी ओके आपका प्रोडक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आप देखें ई e डैश प्लस टी डैस है और ई e डैस के फर्स्ट में एफसाइनन है तो अगर ई डैस जगह हम एफसाइन पुट करते हैं तो दिस बिकम्स प्लस टी ऑन दी ओके तो यहाँ पे रूल नंबर सेकंड लग जाएगा मतलब हम टी का फॉलो निकाल रहे हैं इसके आगे कुछ नहीं है तो दिस बिकम्स फॉलो ऑफ टी इज नाउ इक्वल टू फॉलो ऑफ ई डैश ठीक है तो दिस माइनस एफसाइनन माइनस एफसाइनन यूनियन फॉलो ऑफ ई ठीक e okay? so, है ना यूनियम फॉलो ऑफ ई डैश एंड दिस बिकम्स प्लस क्लोजिंग ब्रेस एंड डॉलर ओके तो यहां पे पहले रूल नंबर हमने टू अप्लाई किया सॉरी थ्री अप्लाई किया यू फॉलो ऑफ फर्स्ट ऑफ हमने निकालना ई e डैश नाउ फर्स्ट ऑफ ई डैश में क्या था एफ्साइन था तो, तो अगर एफ्साइडन पुट करेंगे तो दिस चेंजेस टू ई डैश ड्राइव नस्टी और स्टी का आई फिर कुछ नहीं है तो यहाँ पे रूल नंबर टू अपनाई हो जाएगा पहले रूल नंबर थ्री अपनाई किया क्योंकि ई e डैश के फर्स्ट में एफ्साइडन था तो हमें रूल नंबर टू भी अप्लाई करना पड़ा तो दिस इज द वे वी हैव कंप्यूटेड द फॉलो ऑफ टी डैश ओके नाव फॉलो ऑफ सॉरी टी टी डैस निकालना है फॉलो ऑफ टी डैश तो फॉलो ऑफ टी डैश यहाँ टी डैश है और यहाँ टी डैश है यहाँ टी डैश टी डैश सेम है तो कोई देखने की जरूरत नहीं यहाँ देखेंगे इस टी के आगे कुछ भी नहीं है तो फॉलो ऑफ टी डैश इज सेम एज फॉलो ऑफ टी फॉलो ऑफ टी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस दिस एंड डॉन एंड लास्ट यू हैव टू कंप्यूट फॉलो ऑफ एफ एफ कहाँ कहाँ आ रहा है यहाँ नहीं यहाँ नहीं सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है तो यहाँ भी टी डैस यहाँ टी डैस कोई चेंज नहीं है और ये आईडी है तो यहाँ से देखें तो ऑफ एफ़ क्या होगा फर्स्ट ऑफ़ टी डैस ठीक है ना फर्स्ट ऑफ़ टी डैस और फर्स्ट ऑफ़ टी डैस में क्या है एफसाइनन है ओके okay? तो अगर मैं एफ एफसाइनन पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा द प्रोडक्शन चेंजेस टू टी डैस एस्टिक्स एफ हो जाएगा और हम जानते हैं कि रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग कि इसका हम फॉलो निकालने इसका कुछ नहीं है तो फॉलो ऑफ एफ नाव बिकम्स फॉलो ऑफ टी डैस तो दिस माइनस एफ साइनन यूनियन फॉलो ऑफ टी डैस एंड दिस बिकम्स फर्स्ट ऑफ टी डैस से आपको मिलेगा एस्टिक्स और एफ साइन माइनस कर दिया तो सिर्फ एस्ट्रिक्स बचा फॉलो ऑफ टी डे प्लस दिस एंड दिस तो दिस इज योर फॉलो ऑफ एफ तो दिस इज द वे वी कैन कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ द नॉन टर्मिनल्स ऑफ द ग्रामर ओके नाउ वी हैव कंप्यूटेड फर्स्ट एंड फॉलो फॉर द ग्रामर ओके नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल यूजिंग फर्स्ट एंड फॉलो ओके तो हमारा इनपुट क्या है ग्रामर जिस ग्रामर का हमें प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है आउटपुट क्या मिलेगा पार्सिंग टेबल एम मिलेगा एंड द मेथड क्या है कि वी हैव टू कंसीडर ईच प्रोडक्शन ए अनफा हर प्रोडक्शन को हमें कंसीडर करना है वन बाई वन एनफा एंड फॉर ईज टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अनफा ओके फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अनफा वी हैव एड एंट्री इन द टेबुल ए डाइव्स अनफा टू A, एयर M इज़ द पार्सिंग टेबुल A इज़ द रो एंड स्मॉल A इज़ द कॉनम तो इस रो और इस कॉलम में हमें ए ड्राइव्स अनफा की एंट्री करनी है फॉर each टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अनफा एंड इफ एफ्साइडन इज़ इन फर्स्ट ऑफ अनफा अगर फर्स्ट ऑफ अनफा में एफ्साइन एग्जिस्ट करता है तब हमें फोनो देखना होगा अगर फर्स्ट ऑफ अनफा में एफसाइन नहीं है तो हमें फोनो को कंसीडर नहीं करना है इफ़ एफसाइनन इज इन फर्स्ट ऑफ़ अनफा, देन फॉर ईच सिंबल बी इन फॉर्नो ऑफ ए वी हैव टू ऐड ए डराइव अनफा टू एम ए बी तो हर एक सिम्बल जो फॉन ऑफ ए है उसमें हमें टेबल में रो ए कॉलम बी पे ए डाइव अन्फा की एंट्री करनी होगी So, this is the way we can fill the sense of the predictive passing table. or jo sense empty rah they all sense are treated as an error. Okay. Now, let us see how we can construct the predictive passing table using first and follow. This is the given grammar, and we have already computed first and follow. Now, we have to construct this table. Okay? नॉन लेट्स सी वन बाय वन फर्स्ट ऑफ़ ई देखेंगे फर्स्ट ऑफ़ ई क्या है ओपनिंग ब्रेस एंड आईडी ओके तो हमें देखना है कि ओपनिंग ब्रेस किस प्रोडक्शन से हमें मिला है तो ई ड्राइव टी ई डैश एक ही प्रोडक्शन है और इसी प्रोडक्शन से हमें ओपनिंग ब्रेस भी मिला है और आई भी मिला है तो हम क्या करेंगे ई e रो दिस इज ई रो कॉनम ओपनिंग ब्रेस और आईडी पे हम क्या इनपुट करेंगे ई डाइव टी ई डैश तो ई आई डी पर ई डाइव टी ई डैश एंड ओपनिंग डेज पर ई डिराइव टी ई डैश ओके नाव इफ यू लुक एट ई डैश तो इसके फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है प्लस एंड एफ साइनन तो यहाँ पर हम एफ साइनन कंसिडर अभी नहीं करेंगे ओके वी हैव टू कंसिडर ऑन दी फर्स्ट प्लस और ये देखेंगे कि ई e डैश से दो प्रोडक्शन हैं प्लस टी ई डैश एंड एफ साइनन इन दोनों में से किस प्रोडक्शन से हमें प्लस मिला है तो इफ यू लुक एट दिस ई डैश ड्राइव्स प्लस टी ई डैश से हमें प्लस मिला है जो फर्स्ट ऑफ ई डैश में है तो हम क्या करेंगे ई डैश रो पे प्लस कॉलम पे हमें ई ड्राइव्स ई डैश ड्राइव प्लस टी ई डैश की एंट्री करनी है दिस इज द ई डैश रो है एंड दिस इज द प्लस कॉलम है और इस कॉलम पे हमें क्या एंट्री किया है ई डैश ड्राइव्स प्लस टी ई डैश ओके नाव इफ टी डैफ एफ टी डैश तो वी है फर्स्ट ऑफ टी ना द फर्स्ट ऑफ टी इज़ ओपनिंग बेस एंड आई डी यहाँ एक ही प्रोडक्शन है इसी प्रोडक्शन से हमें ये दोनों सिम्बल्स मिले हैं जो फर्स्ट ऑफ टी में हैं तो रो टी और कॉनम ओपनिंग बेस और आई डी में हमें एंट्री करनी है टी डिराइव्स एफ टी डैस दिस इज टी दिस इज आई डी एंड दिस इज ओपनिंग बेस एंड दोनों ही जगहों पर वी हैव टू मेक एंट्री टी ड्राइव्स एफ टी डैश ना टी डैश ड्राइव्स टी डैश के अंदर अगर हम फर्स्ट ऑफ टी डैश देखें तो एस्टिक्स एंड एफसाइडन है यहाँ पर एफसाइडन को कंसिडर नहीं करना है अभी एफसाइडन हम कंसिडर करेंगे फॉरनों के केस में ओके okay? तो यहाँ पर जो एस्टिक्स है इस किस प्रोडक्शन से मिला है ये मिला है टी डैश ड्राइव्स एस्टिक्स एफ टी डैश से तो टी डैश रो और एस्टिक्स कॉन्दम पर वी हैव टू मेक एंट्री टी डैश डाइव्स एस्टिक्स एफ टी डैश दिस इज योर टी डैश रो दिस इज एसटिक्स कॉनम और यहाँ पर जो एंट्री की गई है टी डैश डाइव्स एस्टिक्स एफ टी डैश ओके नाउन लेट सी द फर्स्ट ऑफ एफ फर्स्ट ऑफ एफ में क्या है ओपनिंग ब्रेस एंड आई डी तो हमें देखना है कि ओपनिंग ब्रेस किस प्रोडक्शन से मिला है तो ओपनिंग ब्रेस जो अब मिला है वो हमें मिला है एफ डिराइव्स ओपनिंग ब्रेस ई क्लोजिंग ब्रेस तो इस प्रोडक्शन से हमें ओपनिंग ब्रेस मिला है तो हम क्या करेंगे एफ रो और ओपनिंग ब्रेस कॉलम पे वी हैव टू मेक एन एंट्री एफ डिराइवस ओपनिंग ब्रेस ई नोजिंग ब्रेस तो दिस इज एफ एंड दिस इज योर ओपनिंग ब्रेस और यहाँ पर हमने एंट्री की है एफ डिराइव्स ओपनिंग ब्रेस ई नोजिंग ब्रेस और जो आई है ये हमें मिला है एफ डिराइव आई से इस प्रोडक्शन से हमें आई मिला है तो हम क्या करेंगे एफ रो पे और आई डी कॉलम पे वी हैव टू मेक एंट्री एफ डिराइव्स आई डी तो एफ रो और आई डी कॉलम पे वी हैव टू मेक एंट्री एफ डिराइव्स आई डी तो दिस इज द एंट्री दैट इज़ मेड यूजिंग फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल्स नाउ अब हमें फॉलो कंसीडर करना है तो हम उन्हीं सिंबल्स का फॉलो कंसीडर करेंगे जिनके फर्स्ट में एप्साइडन आ रहा है यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट ऑफ़ ई डैश एंड फर्स्ट ऑफ टी डैश में ही एप्साइडन है और किसी भी सिंबल्स के फर्स्ट में एफ्साइनन नहीं है तो हम ई e डैश और टी डैश का फॉलो कंसिडर करेंगे ओके okay? तो हमें देखना है कि ये एफ्साइनन जो फर्स्ट ऑफ़ ई डैश में आया है ये किस प्रोडक्शन से आया है तो हम देखेंगे ई डैश डराइव एफ्साइनन से हमें एफ्साइनन मिला है जो फर्स्ट ऑफ़ ई डैश में है तो ई डैश डराइव एफ्साइनन की एंट्री कहाँ कहाँ होगी वो ई e रो में होगी ई e डैश रो में होगी और उन सारे सिंबल्स में होगी जो फॉलो ऑफ ई डैश होंगे दैट इज़ क्लोजिंग वेस्ट एंड डॉलर तो दिस इज ई डैश दिस इज क्लोजिंग वेस्ट एंड डॉलर और यहाँ पे हमने एंट्री की है ई डैश डराइव एफसाइडन एंड ई डैश डाइव एफसाइडन नाउ वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट ऑफ टी डैश जिसमें एफ्सायदन आया हुआ है और ये एफसाइडन किस प्रोडक्शन से मिला है टी डैश डाइव एफसाइडन तो टी डैश डाइव एफसाइडन से हमें एफ्सायदन मिला है जो फर्स्ट ऑफ टी डैश में है तो हमें टी डैश का फॉर्नो चेक करना है तो टी डैश का फॉर्नो हमें प्लस क्लोजिंग ब्रेस और डॉनर है तो टी डैश रो और प्लस क्लोजिंग ब्रेस और डॉनर में हमें क्या एंट्री करनी है टी डैश डराइवस एफ तो दिस इज योर टी डैश रो प्लस दिस इज योर क्लोजिंग ब्रेस एंड दिस इज योर डॉनर इन तीनों ही जगह पे हमने क्या एंट्री की है टी डैश डाइव्स एफ

एंड मार्कर दिस इज द एंड ऑफ द स्टिंग ओके और स्टैक की पोजिशन क्या होगी दिस इज अ डॉलर एंड द स्टार्ट सिंबल ऑफ़ द ग्रामर दिस इज द इनिशियल कॉन्फिग्रेशन ऑफ द स्टैक न पार्सर कैसे वर्क करता है वो इनपुट सिंबल को देखता है तो यहाँ पर इनपुट सिंबल जो करेंट इनपुट सिंबल वो आई डी है टॉप ऑफ द स्टैक को चेक करता है टॉप ऑफ द स्टैक ई है और फिर वो पार्सिंग टेबुल को चेक करता है कि ई e रो और आई डी कॉलम पे कौन सी एंट्री है तो ई रो और आई डी कॉलम पे पार्सिंग टेबल पे जो एंट्री है वो है ई ड्राइव टी ई डैश वर्ट द पार्सल विल डू इस ई को पॉप करेगा और इसके राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन है इसको पुश कर देगा ओके तो पुश करना है तो हमें रिवर्स ऑर्डर में पुश करेंगे तो ई डैश पहले पुश होगा और टी बाद में तो दिस बिकम्स ई डैश टी नाउ अगेन द सिंबल इज आई डी जिससे पार्सल अभी स्कैन कर रहा है और टॉप पे है टी तो पार्सिंग टेबल में टी रो और आई डी कॉलम पर चेक करेगा तो उसे एंट्री मिलेगी टी डिराइव्स एफ़ टी डैश तो क्या होगा टी को पॉप किया जाएगा फ्रॉम द स्टैक और इसका जो तो राइट हैंड साइड प्रोडक्शन है एफ़ टी डैश इसको पुश करेंगे तो पहले टी डैश पुश होगा और उसके बाद एफ़ पुश होगा ओके नाउ टॉप पे एफ़ है और जो सिंबल है अंडर स्कैनर वो है आई डी तो टेबल में एफ़ रो और आई डी कॉलम पर देखेंगे तो वहाँ पर जो तो प्रोडक्शन है एफ़ डिराइव्स आई है तो एफ़ को स्टैक से पॉप करेंगे और आई को पुश करेंगे नाउ दिस इज़ दिटन ऑफ द स्टैक नाउ द टॉप पे अभी आई है और जो सिंबल हम अभी अंडर स्कैनर है वो आई तो टॉप पे भी आई है और जो सिंबल हम रीड कर रहे हैं वो भी आई है दोनों सिंबल मैच कर गए तो हम इस आई को पॉप कर देंगे और हम नेक्स्ट सिंबल पे मूव कर जाएंगे और वो सिंबल है आपका प्लस ओके okay? नाव प्लस और टॉप पे है टी डैश तो टेबल में चेक करेंगे टी डैश रो और प्लस कॉलम पे वी गेट टी डैश एफ तो टी डैश को पॉप करेंगे और एफ को पुश करेंगे मतलब हमें कुछ भी पुश नहीं करना है तो आफ्टर पॉपिंग टी डैश दिस तो बिकम्स द स्टैक सिचुएशन एंड नाव ई डैश इज ऑन द टॉप और प्लस है जिसको हम करेंट सिंबल है जिसको रीड कर रहे हैं तो टेबल में ई e डैश रो और प्लस कॉलम पे जो इंट्री है ई डैश ट्राइव प्लस टी ई डैश तो डिवर्स ऑर्डर पुश करेंगे तो पहले ई डैश पुश होगा फिर टी पुश होगा फिर प्लस पुश होगा एंड दिस इज द नाउ द न्यू सिचुएशन ऑफ स्टैक तो टॉप तो पे प्लस है और जिस सिंबल को हम करंटली रीड कर रहे हैं वो भी प्लस है तो इसे पॉप कर देंगे और हम नेक्स्ट सिंबल को मूव कर जाएंगे दैट इज योर यइडी एंड इन दिस वे वी प्रोसीड टिन वी रीच दिस सिचुएशन कि स्टैक में सिर्फ डॉनर रह जाए और जो करेंट सिंबल जिसको हम रीड कर रहे हैं वो डॉनर दैट इज वी हैव रीच द एंड ऑफ द इनपुट और टॉप ऑफ द स्टैक इज डॉनर अगर हम इस सिचुएशन में पहुंच जा रहे हैं देन वी कैन डिक्लेयर दैट द स्ट्रिंग इज सक्सेसफुली पास्ड ओके तो दिस इज द वे प्रोडक्टिव पार्सर पार्सर से गिवेन स्ट्रिंग नाउ नेट सी एन एन वन ग्रामर्स ओके द कंटेक्ट फ्री ग्रामर हुज पासिंग टेबल हैज़ नो मल्टीपल एंट्रीज सेट बी एन एन वन यानी ऐसी कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर जिसके पासिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज ना हो मतलब किसी एक सेन में एक से अधिक एंट्री ना हो तो वो ग्रामर कहलाती है एन एन वन ग्रामर ओके इस एन एन वन में जो टर्म्स आ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है द फर्स्ट एन है इसका मतलब है कि स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो इनपुट है उसको हम जो रीड कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं जो सेकंड हैड है इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग ए लेफ्ट मोस्ट डेरिविएसन दो जो पार्सर है वो पास कर रहा है इट इज़ ट्राइंग टू प्रोड्यूस द लेफ्ट मोस्ट डेरिविएशन ऑफ द स्ट्रिंग और जो ये वन है इट रिप्रेजेंट्स द लुक अहेड हैड करेक्टर तो दिस इज द पार्सर दैट इज लुकिंग वन इनपुट सिंबल एट ए टाइम ओके ए लैंग्वेज इज सेट टू बी एन एन वन इफ इट कैन बी जनरेटेड बाई एन एन वन ग्रामर एन एन वन ग्रामर आर नॉट एम्बीग्यूस एंड नॉट लेफ्ट तो एन एन वन ग्रामर्स वो ग्रामर्स होते हैं जो एम्ब्यू ambigu, उसमें एम्बीगी नहीं होती है और जो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होते दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एन वन ग्रामर्स नाउ टू चेक वेदर द ग्रामर इज एन एन वन और नॉट तो दे आर टू वेज फर्स्ट वे दैट कि आप जो ग्रामर गिवन है उसकी आप प्रिडिक्टिव पार्सर बनाएं और ये चेक करें कि किसी भी एक सेन में एक से अधिक एंट्री ना हो दैट इज किसी भी सन में मल्टीपल एंट्री ना हो अगर ऐसा नहीं है तो ग्रामर इज एन एन वन ग्रामर ओके okay? तो वी कैन चेक विदर द ग्रामर इज एन एन वन ग्रामर बाई कंस्ट्रक्टिंग द प्रोडक्टिव पार्सल टेबल ओके एंड इफ द दार्सिंग टेबुल डजेंट एनी मल्टीपल एंट्री इन एनी ऑफ द सेन देन द ग्रामर इज एन एन वन ग्रामर सेकेंड है मैथर्ड है कि हम हर एक प्रोडक्शन को कंसीडर करें ऑफ दिस फॉर्म ए डिराइव्स अनफा ऑब्निक बीटा यानी उन सिंबल्स को कंसीडर करें जिनके राइट हैंड साइड पे एक से अधिक प्रोडक्शन्स हैं जो एक प्रोडक्शन से उनको कंसीडर नहीं करना है एक से अधिक जो प्रोडक्शन्स हैं जैसे यहाँ पे अनफा एंड बीटा दे आर टू प्रोडक्शन्स तो एक से अधिक प्रोडक्शंस हैं उन्हीं सिंबल्स को हमें कंसीडर करना है और क्या करना है इस इज ऐ रूल नंबर वन कि फर्स्ट ऑफ अनफा एंड फर्स्ट ऑफ बीटा निकालें और इन दोनों का इंटरसेक्शन दें और उनका इंटरसेक्शन अगर फाइव आ जा रहा है तो इट मींस कि ये जो प्रोडक्शन है इट इज़ सेटिस्फाइंग द एन एन वन ग्रामर रूल ओके सेकेंड रूल तब अप्लाई करेंगे जब फर्स्ट और बीटा में एफसाइनन आओ तो ये फर्स्ट और बीटा कंटेंस एफ्साइनन तब हम रूल नंबर टू अप्लाई करेंगे ओके okay? अगर फर्स्ट और बीटा में एफसाइन नहीं है तो हम रूल नंबर टू अप्लाई नहीं करेंगे तो रूल नंबर टू क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ अनफा निकालना है इंटरसेक्शन करेंगे फॉलो ऑफ ए और अगर ये फाइ आता है इन दैट केस द ग्रामर इज एन एन वन ओके एंड दिस विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस फॉर्म लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक ग्रामर गिवन है और इसे चेक करना है कि ग्रामर एन एन वन है कि नहीं है ओके okay? तो बी और सी पे हमें जो रूल्स हैं उनको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इनके राइट हैंड साइड प्रोडक्शन पे सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है एक से अधिक प्रोडक्शन्स नहीं है तो हमें एस और ए पे ही रूल्स वन और टू को चेक करना है तो पहले हम एस प्रोडक्शन्स पे हम अप्लाई करते हैं तो अनफा क्या है वन ए बी और बीटा क्या है एफ्साइनन तो फर्स्ट ऑफ अनफा दैट इज़ वन ए बी इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ एफसाइन देंगे तो फर्स्ट ऑफ वन ए बी होगा वन और फर्स्ट ऑफ एफसाइन होगा एफसाइनन एंड दिस इज़ फाइव तो रूल वन सेटिस्फाई हो रहा है बट फ़र्स्ट ऑफ बीटा जो है उसमें एफ्साइनन है तो क्योंकि फर्स्ट ऑफ बीटा में एफसाइन है तो हम रूल नंबर टू को हमें चेक करना होगा रूल नंबर टू क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ़ अनफ़ा इंटरसेक्शन सेक्शन फॉलो ऑफ ए तो फर्स्ट ऑफ अनफा क्या है वन ए बी एंड फॉलो ऑफ़ एस निकालना है तो फर्स्ट ऑफ़ वन ए बी इज़ वन एंड फॉन ऑफ एस इज़ डॉनर इट इज़ एनसो फाइव तो जो एस प्रोडक्शंस हैं दे आर ओबेइंग द रूल्स ऑफ एन एंड वन ग्रामर नाउ चेक फॉर ए तो फर्स्ट ऑफ अल्फा वन ए सी इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ़ बीटा जीरो सी दिस बिकम्स वन एंड जीरो इंटरसेक्शन देंगे फाइव तो फर्स्ट ऑफ बीटा में यहाँ पर आया नहीं है तो रूल नंबर टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो रूल नंबर वन सेटिस्फाइंग ओके तो ए प्रोडक्शन्स आर एल्सो सेटिसफाइंग द एद वन ग्रामर रूल्स और बी सी पे रूल्स टेक्निकेबल नहीं है तो इन दिस वे ऑल द प्रोडक्शंस आर ओबेइंग एद वन ग्रामर रूल्स एंड वी कैन से दैट this grammar is a nn1 grammar okay so in this video we have seen what is top down parsing what is predictive parsing how can we compute first and follow of non terminals of the grammar how the parser parses the input string what is nn1 grammar and how can we test whether the grammar is nn1 or not hope you will be able to understand all these concepts. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you.